हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने थंबनेल में बना चुका हूं, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना हो सकती है। और ये क्लास टेंथ के दोस्तों और बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को एक भी स्किप ना करना दोस्तों। अगर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। इसमें काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट सवाल कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, अब बात करेंगे दोस्तों कि एक जैसे कि आप लोगों ने प्रश्न नंबर वन देख रहे हैं, धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, और प्रश्न नंबर टू में देख रहे हैं कि समवर्ती सूची क्या है। ये दो क्वेश्चन मनीष कुमार जानते हैं। आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मनीष कुमार कमेंट करके बताया था कि सर, धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं और समवर्ती सूची क्या है, ये इस पर वीडियो जरूर बनाइए सर। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मनीष कुमार वो भी वीडियो देख रहे हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं आपको बता नहीं सकता था, लेकिन अभी टाइम है दोस्तों, तो मैं आपको बनाकर दे दूंगा। कोई आप चिंतित नहीं रहेंगे दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट करके जरूर पूछना, आपको कभी ना कभी वो वीडियो मिल ही जाएगा मैट्रिक परीक्षा से पहले। वेरी गुड दोस्तों, आइए इसी तरह के सवाल आप कमेंट करना। वेरी गुड दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी इंटेलिजेंट हो पढ़ने में आप। प्रश्न नंबर वन क्या कह रहा था, धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, और प्रश्न नंबर टू है कि समवर्ती सूची क्या है, प्रश्न नंबर थ्री है दल बदल कानून क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये काफ़ी बार मैट्रिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को क्लियर करेंगे दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने पहला प्रश्न नंबर वन का देख रहे हैं, धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, उत्तर में दोगे दोस्तों। और मैं बता दूं कि रुस्तम भाई भी वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों। रुस्तम भाई वेरी गुड, लाइक कर देना वीडियो को दोस्तों। रुस्तम भाई वीडियो देख रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन पूछे थे, मतलब कि सर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी लिखना जरूरी है, डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका पेपर क्वेश्चन में फिर सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और आपको कॉपी में सिर्फ उत्तर लिखना है, उत्तर वन जितना रहे। अगर फोर लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर फोर करके आप लिख सकते हो, तो लेकिन ये समझ लें कि डायरेक्टली आपको कॉपी में सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, आपके क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखें, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया दोस्तों। एमडी रुस्तम भाई देखें, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता ना देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, उसे धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं, जैसे भारत। ठीक है दोस्तों, तो धर्म निरपेक्ष राज्य के बारे में पूछ रहा, तो दिमाग से समझिए कि वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता ना देकर धर्मों को समान आदर प्राप्त करती है, धर्मों को इज्जत करती है, समान आदर प्राप्त करती है, धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं, जैसे भारत। भारत जो है हमारा विशेष प्राथमिक ना देकर धर्मों को समान आदर प्राप्त करती है, इज्जत प्राप्त करती है, तो उसे हम धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो आई होप धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, आपने थंबनेल में भी अच्छी तरह से देखी है और थंबनेल देखकर ही वीडियो हमारे देखोगे। देखिए, समवर्ती सूची क्या है, तो समवर्ती सूची पहले उत्तर में आप हेडलाइन जरूर देना। हेडलाइन से क्या होगी, जो जांचने वाले आपके टीचर रहेंगे वो पता चलेगा कि हेडलाइन देकर ये उत्तर है और लिखा है साफ साफ। ठीक है, तो हेडलाइन जरूर देना दोस्तों, मैं एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ। देखिए, समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। समवर्ती सूची जो है आपका उन मामलों के शामिल बनाने के लिए किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त हो। ठीक है, केंद्र को भी प्राप्त हो और राज्य को। और क्या बनाने के है, तो कानून बनाने का केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त हो, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो आई होप धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं और समवर्ती सूची क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल में हम पढ़ते हैं कि दल बदल कानून क्या है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों।
देखिए प्रश्न नंबर 3 है, दल बदल कानून क्या है। दोस्तों मैं मनीष कुमार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई भी स्टूडेंट हो जो भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बनाना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि आपका समय कम है दोस्तों। जो भी आपको गेस लगते हैं, जो भी आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। दल बदल कानून क्या है, उत्तर देना हेडलाइन दे करके और लिखना इस तरह से कि विधायकों और संसाधनों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया, यानी कि विधायकों और संशोधन ये दोनों को दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन का कानून बनाया गया। दल बदल कानून के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में सदस्यों को असंबद्ध घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी को दल बदल कानून के अंतर्गत जो भी शर्त दिया जाता है अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो उस सदस्यों को संबद्ध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, असंबद्ध घोषित कर दिया जाता है। इन कानूनों को पूर्ण रूपेण लागू किया जाना चाहिए। तो दल बदल कानून क्या है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप जरूर याद करना और ये अच्छे से क्लियर समझना। मैं आपको हिंदी माध्यम इसको समझाता हूँ दोस्तों, प्लीज अच्छे से समझें। दल बदल कानून क्या है, विधायकों और संसाधनों के दल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया। दल बदल कानून के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में सदस्यों की असंबद्ध घोषित कर दिया जाता है। इन कानूनों को पूर्ण रूपेण लागू किया जाना चाहिए। तो यही हुआ आपका दल बदल कानून क्या है फ्रेंड। तो धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, समवर्ती सूची क्या है, दल बदल कानून क्या है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुका है दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों इस वीडियो में तीन ही सवाल आपका रहेगा और मैं आपको वादा किया था कि भूगोल में जो भी क्वेश्चन खनिज से छुड़े हैं, खनिज से मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे जो भी पूछे उसको वीडियो में बनाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करके जरूर बोलना दोस्तों। और इससे पहले कि दोस्तों अभी तक मैं नहीं बोला हूँ लेकिन अभी बोलूंगा दोस्तों कि इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और दोस्तों को पास शेयर जरूर करना। तो आई होप ये सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।